सीवरेज प्लांट की कार्यशाला में एक स्वर हुए शहरवासी। लाइन के ट्रीटमेंट प्लांटों को आबादी से दूर स्थानांतरित करने का बनाया दबाव। रेलवे की डिश प्लेट चुराने वाला चोर चढ़ा रेलवे पुलिस के हत्थे। चोरी की 18 डिश प्लेटों सहित जब्त की बाइक। शहर के पुराने बस स्टैंड पर तैयार होने लगा है तिब्बती बाजार। शीघ्र ही शुरू होगी बाजार में उन्हीं कपड़ों की बिक्री। और अस्पताल प्रशासन के निर्देशों से नहीं किसी को सरोकार। निर्धारित स्थान पर खड़े नहीं हो रहे हैं निजी एम्बुलेंस वाहन। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद प्रशासन की ओर से केंद्र व राज्य सरकार की ओर से शहर में बनाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यशैली समझाने के लिए मंगलवार को जनप्रतिनिधियों व आम शहरवासियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति के कक्ष में परिषद आयुक्त डॉ. दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों ने एक स्वर में शहर के दो स्थानों पर स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को अन्यत्र स्थानों पर स्थानांतरित करते हुए योजना का विरोध कर दिया। परिषद प्रशासन प्लॉटों की कार्यशैली के बारे में शहरवासियों को कुछ बताता। इससे पहले ही सभी ने एक स्वर में कहा कि सबसे पहले शहर के सुभाष उद्यान तथा विजयनगर रोड स्थित जैन दादाबाड़ी के पास लगाए गए ट्रीटमेंट प्लांटों को शहर की आबादी से दूर स्थानांतरित किया जावे। इसके बाद ही इस योजना की क्रियान्वित की जावे, नहीं तो परिषद को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों ने विरोध करते हुए बताया कि शहर के आबादी क्षेत्रों में स्थापित इन ट्रीटमेंट प्लांटों के शुरू होते ही आसपास के क्षेत्रवासियों को मारे बदबू के जीना मुहाल हो जाएगा। शहरवासियों ने परिषद प्रशासन के चेतावनी भरे लफ्ज में कहते हुए कि शहर में सीवरेज लाइन का काम शुरू करने से पहले दोनों स्थानों पर स्थापित किए जा रहे प्लांटों को शीघ्र ही अन्यत्र आबादी क्षेत्र में स्थानांतरित करें। इस दौरान शहर के कई क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदे गए खड्डों को भी एक माह बाद भी नहीं भरने पर भी लोगों ने रोष जताया। सभापति कक्ष में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी तथा जनप्रतिनिधि पहुंच गए, लेकिन सभी के बैठक के इंतजाम नहीं होने पर भी लोगों ने रोष जताया। उधर सामने आया कि शहर में 123.24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज लाइन के लिए अहमदाबाद गुजरात की DRABIPL JB को जयपुर से गुपचुप तरीके से वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। राजस्थान स्टेट प्रदूषण बोर्ड जयपुर को ब्यावर में लगने वाले सीवरेज प्लांट के बारे में किसी प्रकार के कोई प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। इस प्रकार की सूचना शहर के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आया है। मंगलवार को सभापति कक्ष में आयोजित कार्यशाला के दौरान ठेकेदार गणेश पटेल, इंजीनियर पूर्व सभापति डूंगर सिंह साखला, उपसभापति सुनील मुंद्रा, विजेंद्र प्रजापति, नरपत सिंह रावत, महंत गोड, ज्ञानदेव झंवर, दलपत मेवाड़ा, ऋषभ चंद खटोर, मंगल सिंह मोनू, कमला दग्दी, संपत बोहरा, विनोद खाटवा, भरत शर्मा, पुष्पेंद्र कुमावत, पूर्व पार्षद रामनिवास सेन सहित अन्य शहरवासी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भाई, ऐसा है, हमारा विरोध माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अमृत योजना है और जिसके तहत शहर के अंदर 119 किलोमीटर जो लाइन डाली जा रही है, उसका हमारा कहीं विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ इसीलिए है कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट जो बनना है, एक तो सुभाष उद्यान के अंदर बनना है बड़ा प्लांट जो आधे शहर का पानी लेके आएगा, और एक बन रहा है उसी के 100 मीटर आगे, मतलब तालाब की जो चद्दर है उसके पास दादाबाड़ी के सामने। ये दोनों ट्रीटमेंट प्लांट 100 मीटर के दायरे में बन रहे हैं। शहर का 75% पानी इन्हीं ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा। इसके चारों तरफ घनी आबादी है पूरा। ये जब से ब्यावर बसा है, पहले इसका नाम कंपनी बाग था, इसके बाद से इसका नाम सुभाष उद्यान पड़ा है। लेकिन इतने प्रयास, इतने लिखने के बाद भी नगर परिषद ने इसके ओर ध्यान नहीं दिया।
इसके लिए आज हमें ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि बगीचे के अंदर जहाँ करोड़ों रुपए लग के वो बगीचा विकसित हुआ है उसमें कम से कम सीवरेज प्लांट नहीं बनाएं, और उसके आगे 100 मीटर आगे जहाँ जनता रहती है, इसके सामने भी जनता रहती है और उसके सामने जनता रहती है, जनता के मद्देनजर जनहित को ध्यान में रखते हुए इसको और कहीं ले जाया जाए, हमारा यही विरोध है, हम यही दर्ज कराते हैं। सीवरेज प्लांट से हमारे को मतलब जो सुविधा मिलेगी वो बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा बरकरार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, सीवरेज प्लांट के लिए हमारा कुछ नहीं है। ये चाह रहे हैं, आज के सेमिनार का उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार की कोई ग्रीवेंस है और जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो वो सेमिनार में प्राप्त कर सकता है और अपने आप को इसमें आप एक भागीदार मान सकता है कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, हम जो है इसको जल्दी करना चाह रहे हैं और पब्लिक को जल्दी संतुष्ट करना चाह रहे हैं, ये और हो जाएगा समय से। मित्तल हॉस्पिटल के पास में जो एसटीपी लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जाकर देखे और अगर उसकी कोई समस्या वहाँ पर आती है तो हमें भी बताएं, अगर हमें लगेगा कि वास्तव में वो ब्यावर के लिए यूजफुल नहीं है तो हमारा उद्देश्य तो ब्यावर के लोगों को उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, ये उद्देश्य हमारा, और उसमें हम चाह रहे हैं कि स्पीडली हो जाएं और बेस्ट वर्क हो जाए। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि वहाँ सुभाष उद्यान में लगने से जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, बल्कि मैंने चीफ इंजीनियर साहब से डायरेक्टली बात की है, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जो व्यक्ति इस तरह की शंका रखता है वो खुद एक बार विजिट करके आए हैं जहाँ पर प्लान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो फर्म है, उसका ऑफिस उसी एसटीपी पे बनने वाला है, आप सोचिए कि जब उतनी स्मेल होगी तो वो ऑफिस में कैसे रहेगा वहाँ पर। जीआरपी थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कीमती यामाहा कंपनी की बाइक भी जब्त की है। पुलिस आरोपी को एसीजेएम न्यायालय अजमेर में पेश करेगी। आरपीएफ थाना प्रभारी विनोद शर्मा ने बताया कि खरवा के पास चल रहे डीएफसी कार्य से विगत दिनों 18 डिस्प्लेटें चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद जांच में सामने आया कि उक्त चोरी खरवा निवासी दिनेश पुत्र शंकर लाल नायक ने की। पुलिस ने मंगलवार को दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। आरोपी दिनेश ने बताया कि उसने विगत दिनों यामाहा कंपनी की 97,000 कीमत की बाइक फाइनेंस से खरीदी थी। विगत 2 माह से उसने किश्तें बकाया चल रही थी और वह परेशान था। उसने बताया कि किश्तें चुकाने के लिए उसने योजना तैयार करते हुए खरवा डीएफसी कार्य से एक एक कर 18 डिस्प्ले चुरा ली तथा अपने चाचा कृष्णपाल के खेत पर छिपा दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके चाचा के खेत में छिपाई गई सभी 18 डिस्प्ले बरामद कर ली है। थाना प्रभारी विनोद शर्मा ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसी प्रकार पुलिस ने एक अन्य कार्यवाही करते हुए बर के पास चल रहे डीएफसी खुदाई कार्य के दौरान रेलवे की केबल को नुकसान पहुंचाने वाली जेसीबी मशीन को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर को खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन के चालक ने लापरवाही पूर्वक काम करते हुए केबल को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। सुबह शाम की सर्दी व दिन भर की धूप को देखकर तो अभी तक सर्दी के मौसम का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन शहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड परिसर में सज रहे रिफ्यूजी तिब्बती बाजार से लगता है कि सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मालूम हो कि शहर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही तथा दीपावली के आसपास नेपाल तथा तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों से आकर गर्म कपड़ों का व्यवसाय करने वाले यह व्यापारी नगर परिषद प्रशासन की अनुमति से आगामी 4 माह तक अपना कारोबार करते हैं। इस बार भी तिब्बती बाजार के इन व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद प्रशासन ने भी इन्हें निर्धारित शुल्क पर दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान की है। तिब्बती बाजार में सर्दी से बचने के लिए बच्चों, युवाओं, वृद्धों तथा महिलाओं के लिए हर प्रकार की वैरायटी के ऊनी वस्त्र मिल जाते हैं। नगर परिषद ब्यावर के आयुक्त दिनेश राय सापेला ने एक पहल शुरू करते हुए आमजन तथा जनप्रतिनिधियों के कार्य को त्वरित गति से निपटाने तथा किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी के लिए समय का निर्धारण किया है। साथ ही सफाई, रोड लाइट तथा आवारा जानवरों की सूचना के लिए टेलीफोन नंबर शुरू किए हैं। डॉक्टर सापेला ने बताया कि कोई भी आमजन नगर परिषद संबंधी समस्या व शिकायत को लेकर उनसे दोपहर 12 से 1 बजे तक तथा जनप्रतिनिधिगण व पार्षदगण दोपहर 3 से 4 बजे तक उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आम शहरवासी को साफ सफाई संबंधी तथा आवारा जानवरों से संबंधी कोई भी शिकायत हो तो 0146225
6665 पर व रोड लाइट संबंधी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1803580 पर दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित शिकायत का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। आयुक्त डॉक्टर सापेला ने सभी शहरवासियों से शहर को साफ व स्वच्छ बनाए रखने में नगर परिषद प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। श्रीसीमेंट ब्यावर की कबड्डी टीम ने दशहरा मेला कमेटी की ओर से आयोजित दशहरा मेला 2017 में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। टीम के दिलीप टाक ने बताया कि दशहरा मेला किशनगढ़ में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में श्रीसीमेंट ब्यावर की टीम ने संस्कार ITI की टीम के फाइनल मैच में 32-28 के अंतराल पराजित कर जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा किया। टीम के विजेता बनने पर संस्था के कारखाना प्रबंधक विनय सक्सेना, अनिल शर्मा, नीरज शर्मा, देवेंद्र शर्मा तथा खेल प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने टीम को बधाई प्रेषित की है। टीम में मदन सिंह रावत, दिलीप टाक, रज्जाक मोहम्मद, इकबाल काठात, नासिर, रफीक, अमीन, प्रताप सिंह, शकील तथा अशरफ काठात आदि शामिल थे। शहर में मंगलवार को घटित दो हादसों में एक मासूम गर्म दलिये से झुलस गई, वहीं दूसरी ओर एक बाइक सवार कार की टक्कर लगने से घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार नुंद्री मेंदातार निवासी कुलदीप के घर पर मंगलवार सुबह दलिया पकाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री इशिका पास ही में खेल रही थी। दलिया पकने के बाद कुलदीप की पत्नी चूल्हे से दलिये की भगोनी उतार रही थी। इस दौरान भगोनी उसके हाथ से छूट गई, जिससे गर्म दलिया फैलकर 1.5 वर्षीय इशिका के पांव में जा गिरा, जिससे मासूम का पांव झुलस गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। इसी प्रकार नीमाज निवासी इंद्रदीप सिंह पुत्र करणदीप सिंह मंगलवार सुबह मिशन ग्राउंड स्थित मिशन बॉयज स्कूल के सामने से गुजर रहा था कि इस दौरान एक कार चालक ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में क्षेत्रवासियों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। उधर घटना की जानकारी पर एकेश पहुंची सिटी थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्लम्बर आया? देखो भैया फिर से लीकेज। अरे कोई भी ऐसा वैसा पाइप लगाएंगे तो लीकेज तो आएगी ना। अंदर सुप्रीम CPVC पाइप और फिटिंग ही लगवाओ और लीकेज जो जंग की चिंता भूल, सुप्रीम निभाए जीवन भर का साथ। किचन और बाथ फिटिंग में भी सुप्रीम की क्या बात। तो भैया जस्ट चिल, नो टेंशन, सुप्रीम यानी टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन। भाभी समझदार है। क्या आप अपने घर में उन्नत क्वालिटी का PVC पाइप या फिटिंग लगवाना चाहते हैं? तो आज ही सुप्रीम पाइपिंग के निकटतम डीलर से संपर्क करें, जहां आप पाएंगे UPVC, CPVC, SWR, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर टैंक और भी अन्य 7000 प्रोडक्ट्स। तो अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम पाइप के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर CP नेशनल एंड कंपनी से संपर्क करें। पार्श्वनाथ हॉस्पिटल के पीछे उदयपुर रोड ब्यावर। सुप्रीम प्लास्टिक पाइप और फिटिंग्स का तो जवाब नहीं, खेत हो या घर, सुप्रीम है सबसे बेहतर। जिंदगी भर निभाए साथ 100% वाटरप्रूफ। सुप्रीम, इंडिया की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंपनी। गणपति गारमेंट कंप्लीट किड्स एंड लेडीज वियर वेस्टर्न आउटफिट्स, ए फिक्स रेट शॉप, लेडीज वियर टॉप, जींस, कुर्तीस, जॉगर्स, टी शर्ट्स, लोवर, शॉर्ट्स, कैप्री, स्कर्ट्स, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, मिडी, सी पैंट्स, लेगीज, स्टॉल, दुपट्टा, इनर सहित अन्य वेराइटिया किड्स वियर में पाए जींस शर्ट, बाबा सूट्स, इंडो वेस्टर्न पार्टी वियर सेट, टी शर्ट, ब्लेजर, गर्ल्स जींस टॉप, लॉन्ग फ्रॉक, शर्ट फ्रॉक, लेगी सेट सहित और भी कई आइटम। स्पेशल ऑफर के साथ गणपति गारमेंट पेश करते हैं 5000 की खरीद पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का और 10000 की खरीद पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का। तो पता नोट करें, गणपति गारमेंट 4/255 सनातन स्कूल मार्ग, राठी जी की हवेली के पास, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9983150826। तुझे देखा तो ये जाना सनम। जय राम जी की। कितनी कामयाबी है जिंदगी में। कामयाबी के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ सुंदर दिखना भी तो जरूरी है। और आदमी की सुंदरता
भी का कपड़ा से पतो चाले। अरे हाँ, कपड़ों याद आयो, जेंट्स मेंस वियर के लिए शानदार शोरूम विमला फैशन हब। अरे नेहरू गेट पर विजय मोयल की दुकान। जेंट्स के लिए जींस, टी शर्ट, पार्टी शर्ट, फॉर्मल। कहीं क्यों महंगा? अरे महंगा कोनी आई तो बात है, बहुत ही वाजिब दाम में है विमला फैशन हब का कपड़ा। तो जेंट्स वियर के लिए आज ही आ जाओ। हर युवा की पहली पसंद श्री विमला फैशन हब, शानदार जेंट्स वियर का खजाना, ब्रांडेड जींस, ट्राउजर, शादी पार्टी उत्सव के लिए पैंट्स, शर्ट, टी शर्ट, लोअर, कैप्री, शॉर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, स्पेशल मोदी जैकेट, ब्लेजर, फॉर्मल टी शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स, टी शर्ट्स और तो और नायाब परफ्यूम, बेहतरीन डियो, गोगल, पर्स, बेल्ट, हैंकी, सॉक्स और सब कुछ बेहद वाजिब दाम में। तो आज ही चले आइए विमला फैशन हब इनसाइड नेहरू गेट, बंटी तस्वीर वाले के पास, मोबाइल नंबर 9928463630। अरे दिखे सो बिके, आ जाओ विमला फैशन हब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर में दीपावली पर्व के दौरान नगर परिषद प्रशासन की ओर से साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दीपोत्सव को ध्यान में रखते हुए परिषद प्रशासन ने विशेष सफाई व्यवस्था कराने का निर्णय लिया है। इस हेतु शहर में वर्तमान में दो पारियों में साफ सफाई करवाई जा रही है, ताकि घरों की साफ सफाई के दौरान निकलने वाला कचरा एकत्रित नहीं हो। दो पारियों में होने वाली साफ सफाई से शहर एकदम साफ सुथरा नजर आएगा। नगर परिषद आयुक्त डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने बताया कि दीपावली पर परिषद प्रशासन सफाई व्यवस्था पर विशेष नजर रखेगा। इसके लिए एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर किराए पर लिए जाएंगे, जिससे दीपावली पर घरों में होने वाली साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए परिषद भी वार्डों से कचरा निस्तारण सुचारू करवा सके। इसके लिए संबंधित शाखा प्रभारी जमादारों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की यातायात व्यवस्था इन दिनों चरमरा रही है। अस्पताल तथा शहर प्रशासन ने विगत दिनों अस्पताल में निजी ऑपरेटरों की ओर से संचालित की जा रही एम्बुलेंस सेवा के वाहनों के लिए ट्रोमा वार्ड के सामने तथा अस्पताल पुलिस चौकी के पास स्थित टीन शेड वाला स्थान निर्धारित किया था, जहाँ पूर्व में साइकिल स्टैंड संचालित किया जा रहा था। अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निजी एम्बुलेंस वाहनों को इसी स्थान पर खड़ा न होना था और आवश्यकता पड़ने पर ही वाहन को चिकित्सालय के मुख्य गेट पर लाया जा सकता था। अस्पताल प्रशासन ने उक्त व्यवस्था अस्पताल में आने वाले रोगियों व परिजनों को होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए की थी, लेकिन इसे निजी एम्बुलेंस वाहन चालकों की मनमानी ही कही जाएगी कि थोड़े दिनों बाद ही पुनः अस्पताल परिसर में वाहनों को खड़ा कर अस्पताल प्रशासन के निर्देशों को बता दिया। मालूम हो कि शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में शहर सहित उपखंड क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में रोगी आते हैं। इस दौरान कई बार गंभीर रोगी को लेकर एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस वाहनों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो स्थिति यहाँ तक बन जाती है कि रोगी वाहन वहां से मुड़ तक नहीं सकता। साथ ही उक्त मार्ग आमजन की आवाजाही के लिए भी खुला है, जिसके कारण भी कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। निकटवर्ती ग्राम सरमालिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से गांव तक आने जाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे की ओर से अंडरपास का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अंडरपास का काम पूरा नहीं होने के कारण सुविधा के लिए बना अंडरपास अब तक आमजन के लिए दुविधा बना हुआ है। वर्तमान में लोगों को लंबी दूरी तय कर वहां से गुजरना पड़ रहा है। उधर रेलवे की ओर से केवल मात्र सीमेंट के ब्लॉक रख कर उसे अंडरपास का रूप तो दे दिया, लेकिन इसके लिए दोनों ओर रास्ता नहीं बनवाया, जिसके कारण उक्त अंडरपास में बरसात का पानी एकत्रित हो रखा है। बरसाती पानी ने तालाब का रूप ले रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे की लापरवाही के कारण रात्रि के समय किसी भी अज्ञात व्यक्ति को यहां पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त अंडरपास का निर्माण सरमालिया गांव तथा आसपास में निर्मित मिनरल फैक्ट्रियों में आने जाने के लिए करवाया जा रहा है। उधर रेलवे के अनुसार उक्त अंडरपास का रास्ता निकालने में दूसरे छोर पर बनी हुई कुछ दुकानें परेशानी का कारण बनी हुई है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार अब इन अड़चनों को दूर कर लिया गया है तथा इसके लिए वैकल्पिक मार्ग का चयन कर लिया गया है। शीघ्र ही वैकल्पिक मार्ग बनाकर अंडरपास को शुरू कर दिया जाएगा ताकि वाहन चालकों तथा राहगीरों को रेलवे लाइन क्रॉस की समस्या से निजात मिल सकेगी। एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिवंगत पूर्व नगर उपाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत का जन्मदिन मनाया। इस दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों की ओर से एसडी कॉलेज परिसर में पौधारोपण कर उनकी स्मृति को स्थायी बनाया। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने स्वर्गीय रावत को परिषद का कर्मठ जुझारू तथा समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पौधारोपण कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श बाबेल, उपाध्यक्ष हेमाराम कुमावत, किशोर कुमार, पार्षद पुत्र छात्र संघ अध्यक्ष नरेश कनौजिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय फुलवारी, वीरेंद्र सिंह रावत, विकास सांचोरा, गुरुदेव यादव, दुष्यंत सिंह, प्रदीप सरगरा, रवि रावत, घनश्याम, नरेश बरवड़, मुरलीधर सहित अन्य छात्र उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सीवरेज प्लांट की कार्यशैली कार्यशाला में एक स्वर हुए शहरवासी। लाइन के ट्रीटमेंट प्लांटों को आबादी से दूर स्थानांतरित करने का बनाया दबाव। रेलवे की डिस्प्लेट चुराने वाला चोर चढ़ा रेलवे पुलिस के हत्थे। चोरी की 18 डिस्प्लेटों सहित जब्त की बाइक। शहर के पुराने बस स्टैंड पर तैयार होने लगा है तिब्बती बाजार। शीघ्र ही शुरू होगी बाजार में उन्हीं कपड़ों की बिक्री। और अस्पताल प्रशासन के निर्देशों से नहीं किसी को सरोकार। निर्धारित स्थान पर खड़े नहीं हो रहे हैं निजी एम्बुलेंस वाहन।